उत्तराखंड से बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में नारी शक्ति बंधन बिल पास होने पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल के पास होने से देश की सभी नारी सशक्ति और भी ज़्यादा सशक्त होंगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नई संसद के नए भवन में आज महिला वंदन अधिनियम संविधान संशोधन 128 राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। ये सिद्ध हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी सशक्तिकरण तक के जितने भी आयाम हैं वो सब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे होंगे। 30 सालों से चला हुआ सफर, महिला आरक्षण की मांग, वो आज पूरी हुई है। महिलाएं अब दोनों सदनों में पर्याप्त भागीदारी करते हुए निर्णय की प्रक्रिया में शामिल होंगी। देश का भी सशक्तिकरण इससे होगा और 2047 तक जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, उसमें हमारी मातृशक्ति की पूर्ण भूमिका होगी। आज भारतीय तिथि के हिसाब से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। इस जन्मदिन के अवसर पर यह ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।